हेलो नमस्ते, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी टेक गुरुजी। दोस्तों ये वीडियो में मैं आपको बताना हूँ जो जियो का नया ऑफर या फिर बोल सकते कि जियो रिपब्लिक डे ऑफर करके जो जियो ने लॉन्च किया उसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो बहुत ही एक्सक्लूसिव है मेरे हिसाब से और मेरे को लगता है कि आप सभी को जानना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं वही जियो का जो नया प्लान्स निकल के आया है जो कि अभी तक किसी को नहीं पता चला है, तो मैं वही आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको भी जानना है कि जियो का जो नया ऑफर या फिर जो नया स्कीम क्या है। तो जियो का जो नया रिपब्लिक डे ऑफर है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आपको 98 रुपीज़ का अगर आप रिचार्ज कराते हैं तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2 GB पूरे मंथ के लिए डेटा। यहाँ पे वैलिडिटी 28 डेज के लिए रहेगा और जो 1 GB पहले हमको मिलता था अब वो बढ़ के 1.5 GB हो गया। यानी कि पहले जो हम 149 का रिचार्ज कराते थे वो हो गया है अब 149 का ये फिलहाल अभी भी, लेकिन उसमें मिलेगा आपको 42 GB यानी कि 1.5 GB पर डे के हिसाब से 28 डेज के लिए वैलिडिटी रहेगा। उसके बाद है 349 वाला जिसमें हमको मिलेगा 105 GB यानी कि वो भी 1.5 GB पर डे के हिसाब से वैलिडिटी 70 डेज हो गया। और सबके सब प्राइस स्लैश हो गया 50 रुपये, यानी कि जो पहले 459 का था वो हो गया है 399 जिसमें आपको 126 GB और वैलिडिटी की बात करूँ तो 84 डेज, और जो 500 रुपीज़ का था या फिर 499 रुपीज़ का था या फिर 509 रुपीज़ का था उसको घटा के 449 रुपीज़ कर दिया है। और उसकी प्राइसिंग की उसकी डेटा वैलिडिटी की बात करूँ तो 136 GB आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वैलिडिटी की बात करूँ तो 91 डेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो पुराना मिलता था फिर बोल सकते कि जो था जिसमें 2 GB मिलता था वो जिसमें 1.5 GB मिलता था उसको भी बढ़ा के उन्होंने 2 GB कर दिया है। जैसे 198 का जो प्लान था उसमें आपको 1.5 GB मिलता था पर डे, अब यहाँ पे 2 GB मिलने वाला है वैलिडिटी 28 डेज। उसके बाद जो 398 वाला प्लान है उसमें आपको मिलेगा 140 GB जो कि पहले मिलता था हमको 105 GB, तो कुछ करीबन जो 1.5 GB है उसको 2 GB कर दिया गया। 448 में आपको मिलेगा करीबन 168 GB 84 डेज की वैलिडिटी के साथ, और साथ ही में 498 वाला जिसमें आपको मिलेगा 182 GB साथ ही में वैलिडिटी की बात करूँ तो 91 डेज। तो कुछ इस तरीके से ये प्लान मिलता है फ्रेंड। अब ये जो रिचार्जेज है वो 26 जनवरी के बाद आप करिए तो ही वैलिड रहेगा। अगर आपने समझो अभी आपका ख़त्म होने वाला है या फिर आपकी ख़त्म होने ही वाला है और आपने रिचार्ज करा लिया तो टेंशन लेने की बात नहीं, आपको माई जियो के सेक्शन में जाना है और वो जो आपने रिचार्ज कराया है उसको एक्टिवेट करा के चेंज कर लेना है। यानी कि उसको एक्टिवेट करके उसके बाद आपको चेंज कर लेना है जो कि नया रिपब्लिक डे ऑफर में कर लेना है। तो कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, 26 जनवरी के बाद से ये के सारे रिचार्जेस यहाँ पे लागू हो जाएंगे। और जिसमें आपको 1 GB मिलता था अब वो 1.5 GB हो गया, जहाँ पे 1.5 मिलता था वहाँ पे आपको 2 GB हो गया। तो कुछ इस तरीके से जियो ने रिपब्लिक डे ऑफर करके लोगों के लिए लेके आए हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा खासा ऑफर है और अभी भी मैं बोल रहा हूँ जिसका अभी तक खत्म नहीं हुआ है फिर जिसका खत्म हो गया है जिसने रिचार्ज कर लिया है तो आपको माई जियो के सेक्शन में जाके ऑफर को चेंज कर लेना है। और जिस जिसका अभी तक बाकी है मतलब बोलूँगा कि जिसका फरवरी में खत्म होने वाला है तो टेंशन नहीं, जिस दिन खत्म होगा उस दिन आप रिचार्ज कराइए तो भी ये ऑफर उसमें चलेगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तो ये था फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो, मेरे को वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करना और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा। अगर हेल्पफुल रहा तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर लेना। आशा करता हूँ आपको वीडियो अभी तक पसंद आया, अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।